स्टूडेंट्स वेलकम टू लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री पार्ट वन। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर टू ही को कंटिन्यू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। बेसिकली हम इसमें फिल्ट्रेशन टेक्निक्स को देख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम फिल्टर पेपर को यूज़ करते हुए कैसे फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। आज हमने देखना है एक क्रूसिबल यूज़ करनी है। हमारे पास एक एपरेटस होता है जिसका नाम है क्रूसिबल। अब इसकी टू टाइप्स हैं, एक है गूच, ठीक है, एक साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है, और दूसरा क्या है, सेंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं गूच क्रूसिबल क्या होता है। ये क्या होता है, किस मटेरियल से होता है, प्रोसिलीन से बनाया गया है ये, ठीक है। जैसे चाय के कप होते हैं उसका जो मटेरियल होता है सेम ये वही मटेरियल है। मीन्स क्या है, इसकी जो ये बनाया गया है इसका जो स्ट्रक्चर है इसमें मटेरियल कौन सा है, प्रोसिलीन यूज़ किया गया है। इसके जो बेस होती है वो क्या होती है, परफोरेटेड होती है, ठीक है, मतलब पोरस बेस होती है, सुराख होते हैं। बॉटम इसकी क्या हो सकती है, इसमें क्या चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, या हम लकड़ी यूज़ करते हैं, ठीक है, मेड ऑफ वुड ऑफ पल्प, या हम फिल्टर पेपर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यूज़ करें लाइक स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन यूज़ करें तो फिर क्या होता है कि हमारे ये जो सॉल्यूशन होते हैं एक प्रॉब्लम आ जाती है। क्या प्रॉब्लम है कि हमारे ये जो सॉल्यूशन है वो फिल्टर पेपर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और वो फिल्टर पेपर जो होता है वो डिज़ोल्व हो जाता है। देन हम क्या यूज़ करते हैं, एक और मटेरियल यूज़ करते हैं जिसका नाम क्या है, एस्बेस्टोस। लाइक हमारे पास एसिटिक सॉल्यूशन ले लें, HCl है, H2SO4 है, तो ये जो सॉल्यूशन होते हैं ये एसिटिक सॉल्यूशन है, तो ये फ़िल्टर पेपर के साथ रिएक्ट करके इसको डिसॉल्व कर देते हैं। इस वजह से हम ये यूज़ कर लेते हैं, ये मटेरियल यूज़ कर लेते हैं एस्बेस्टोस। क्या है कि ये मटेरियल इसका कौन सा है, प्रोसिलीन, ठीक है, परफोरेट। इसकी जो बेस होती है वो क्या होती है, परफोरेटेड होती है, पोरस होती है, सुराख होते हैं, और इसकी जो है बेस है वो हम बॉटम है वो हम किस चीज़ से बना सकते हैं, मेड ऑफ वुड ऑफ पल्प, ठीक है, पल्प की लकड़ी यूज़ कर सकते हैं, फ़िल्टर पेपर यूज़ कर सकते हैं। देन फ़िल्टर पेपर क्यों नहीं यूज़ कर सकते, वो डिस्कस किया कि एसिटिक सॉल्यूशन है अगर हमारे पास, देन हम क्या यूज़ करेंगे, एस्बेस्टोस सॉल्यूशन ये मटेरियल यूज़ करेंगे। इसके अलावा एसिटिक सॉल्यूशन के अलावा अगर हमारे पास कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है लाइक पोटाशियम पर मैग्नेट है हमारे पास KMnO4, ये है, देन ही हम क्या यूज़ करेंगे, एस्बेस्टोस। अगर हम ये करना चाहते हैं कि हमारा जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो थोड़ा फास्ट हो, देन हम क्या यूज़ करते हैं, सक्शन फिल्टरिंग एपरेटस यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है, अब ये हमारी क्या है, सक्शन फ्लास्क हो गई, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक वैक्यूम होता है जो कि एयर को बाहर खारिज कर देता है, और फिर सकिंग प्रोसेस से क्या होता है कि हमारा ये जो प्रोसेस है, ठीक है, ये फिल्ट्रेशन जल्दी परफॉर्म होती है और हमारा जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है। हमारा है क्या, ये ग्राफिकल कैसे है, हमारा इसका स्ट्रक्चर कैसे है, ये हमारा क्या है, कुछ क्रूसिबल है, ठीक है, पोर्सलिन मटेरियल से बना हुआ है। ये इसकी क्या है, बेस है, परफोरेटेड बेस है, मीन सुराख है, यहाँ पे रबर एडॉप्टर होता है जो कि इंसुलेटर के तौर पे यूज़ होता है। नेक्स्ट हमने कहा कि अगर हमने प्रोसेस को फास्ट करना है तो हम क्या करते हैं, सक्शन फिल्टरिंग एपरेटस यूज़ कर लेते हैं। ये हमारी जी फ्लास्क है, सक्शन फ्लास्क जो कि हमारे प्रोसेस को फास्ट करती है, वैक्यूम यूज़ होता है जो एयर को बाहर खारिज कर देता है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, इस जगह पे हमारा आ जाता है जो हमारा लिक्विड एस फिल्ट्रेट हम ऑप्टेन कर लेते हैं। तो ये तो प्रोसेस था बाय यूजिंग गूच क्रूसिबल को यूज़ करते हुए कि हम फिल्ट्रेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा सेंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। अब ग्लास क्रूसिबल है मीन्स ये क्रूसिबल, ये अपरेटस किस से मिलकर बनना है, मेड ऑफ ग्लास। इसकी जो बॉटम होती है वो क्या होती है, पोरस ग्लास से डिस्क होती है, ठीक है, पोरस ग्लास डिस्क, सेंटर्ड ग्लास से बनी हुई इसकी बॉटम होती है। अब इसमें ये फ़ायदा है कि हमें कोई ये फ़िल्टर मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, नो फिल्टर मीडियम नीडेड। मींस क्या, जैसे गूच क्रूसिबल में हम यूज़ किया था फ़िल्टर पेपर यूज़ कर लेते हैं, और कोई एस्बेस्टोस ये कोई और जो फिल्ट्रेशन मीडियम हमने यूज़ किया इसमें नहीं होता, सेंटर्ड ग्लास क्रूसिबल क्रूसिबल में यूज़ नहीं होता। ये इसका क्या है, फ़ायदा हो गया। अब ये क्या है इसका, ये हमारे पास क्या है, क्रूसिबल है, ये शीशे का बना होता है, मेड ऑफ ग्लास। इसकी जो बॉटम होती है पोरस ग्लास डिस्क होती है, और ये क्या है इसका, रबर एडॉप्टर है जो एज इंसुलेटर अपना रोल प्ले करता है। अब इसका फ़ायदा क्या है कि ये क्या है, प्रेफरेबल ओवर
गूच क्रूसिबल, क्योंकि क्या है इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई भी एस्टिक सॉल्यूशन हो, कोई भी सॉल्यूशन हो, कोई भी एस्टिक हो या कोई भी जिससे हम फिल्ट्रेट लेना चाहें तो कोई भी ले सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। जैसे वहाँ पे थी कि अगर हमारे पास कोई एस्टिक सॉल्यूशन आ जाता है फिर हमने क्या यूज़ करना है, एस्बेस्टोस, क्योंकि अगर हम फिल्टर पेपर यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि उसके साथ फ़िल्टर पेपर के साथ वो एस्टिक सॉल्यूशन जो है रिएक्ट करके उसको डिसॉल्व कर लेगा, जिसकी वजह से वो हमें फिल्ट्रेट प्रॉपरली हम ऑप्टेन नहीं कर पाते। तो इस वजह से ये क्या है, ये प्रेफरेबल है गूच क्रूसिबल की नस्बत, इसको यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें फिल्ट्रेशन मीडियम की कोई लिमिटेशन नहीं है, हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, फिल्ट्रेशन थ्रू क्रूसिबल। ओके, ये क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एस्टिक सॉल्यूशन हो तो देन हम फिल्टर पेपर क्यों नहीं यूज़ करते, ठीक है, मींस हम इसको क्यों चेंज कर देते हैं अपने फ़िल्टर मीडियम को। तो उसकी ये रीज़न है क्योंकि हमारे पास जो एस्टिक सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, वो फ़िल्टर पेपर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं और रिएक्शन करने के बाद उसको डिसॉल्व कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो रिक्वायर्ड फिल्ट्रेट होता है वो हम ऑब्टेन नहीं कर पाते। इस वजह से हम फ़िल्टर पेपर की जगह क्या यूज़ करते हैं, कौन सा फिल्ट्रेशन मीडियम यूज़ करते हैं, उसका नाम है एस्बेस्टोस। क्लियर? तो आज के लेक्चर में होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि फिल्ट्रेशन थ्रू क्रूसिबल हम कैसे परफॉर्म करते हैं, गूच क्रूसिबल से कैसे करते हैं, एंड देन सेंटर्ड ग्लास क्रूसिबल से कैसे परफॉर्म करते हैं। तो सी यू नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह, फी अमान अल्लाह।